उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जहां बीजेपी अपना किला बचाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सपा गठबंधन का गणित बैठा रही है। लेकिन कांग्रेस भी इन दलों से पीछे नहीं है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी खुद पंजे की पकड़ को मजबूत करने के लिए प्लान बना रही है, जिसमें निशाने पर सीधा योगी सरकार है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 3 दशकों तक हार झेलने के बाद कांग्रेस का संगठन जर्जर हो चुका है। शहर से लेकर गांव तक पंजा अपनी पकड़ खो चुका है। इसलिए पार्टी एक बार फिर से हाथ को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने बड़ा प्लान बनाया है। जहां वो बीजेपी से निपटने के लिए पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है, तो वहीं खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी हैं। उन्होंने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सरकार को बेनकाब करने की विशेष रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रियंका ने आज रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार युवाओं को रोजगार के लिए रुला रही है। युवाओं की आंखों से निकला एक एक आंसू सैलाब बनकर इस सरकार के घमंड को चकनाचूर करेगा। ढकोसलों के तर जब सचमुच में सामाजिक न्याय लागू करने की बात आती है, तो यह सरकार बात सुनने तक को तैयार नहीं होती। युवा इसका हिसाब लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के झूठे विज्ञापनों में तो लाखों रोजगार बांटने की बात कही जाती है। कहां बांट दिए ये रोजगार? युवा इन झूठे प्रचारों की हकीकत बता रहे हैं। हर दिन बेरोजगार युवा विरोध प्रदर्शन के जरिए यूपी सरकार से रोजगार मांगने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस या ध्वज दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इन तीखे बयानों से साफ है कि वो अब चुनावों तक शांत नहीं बैठने वाली, यानी योगी सरकार की पोल खोल का अभियान जारी रहेगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।